नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं अपना व्लॉग बनाने जा रही हूँ, और आज बना रही हूँ मैं पाव भाजी। देखो मैंने सब्जियाँ सब काट ली, और ये जो थोड़े मैंने बड़े बड़े इसलिए किए, इसको मैंने थोड़ा कुकर में बनाऊँगी। इसको ना बड़े बड़े साइज़ का काटा है मैंने इसको कुकर में बनाने के लिए। बाकी जो शिमला मिर्च और क्या नीचे की गाजर था, इसको थोड़ा बारीक काट रखा है मैंने ना। इसको थोड़ा भूनूंगी और इनको मैं कुकर में डालकर भरूँगी। और इस मैंने अब कुकर चढ़ा दिया है, इसमें डालूंगी अब थोड़ा सा तेल। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ये जीरा, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें क्या डालूंगी, मसाले डालूंगी। ये डाल दिया हल्दी और ये मिर्च, मिर्च डाल दिया और ये जीरा पाउडर और ये पाव मसाला, पाव भाजी वाला मसाला है ना जो, वो डाल दिए। ऐसे आप लोग घर में भी बना सकते हो मसाला, लेकिन मैंने ये मैं मार्केट से लेकर आई थी पाव भाजी का मसाला। अब इसमें मैं डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा मैंने चला दिया। अब मैं इसमें डालूंगी, जैसे मैंने बैंगन भी कर लिए थे, काट लिए थे, हाँ जैसे बैंगन का डाल दिए, मेरे पास ना मटर नहीं है तो मटर मैंने वो आप तो फिर और बाकी जो आइटम है सब्जी मैं वो डाल दूंगी इसमें। और जैसे ये सब सब्जियां मैं डाल दूंगी, जैसे शिमला मिर्च भी डाल दिया मैंने, गाजर भी, ये सब सब्जियां जो मैंने काटी थी ये सब डाल दिए मैंने। मैंने आलू भी डाल दिए। और इसमें मैं नमक भी डाल दूंगी। नमक तो अपने स्वाद अनुसार डालना आप लोग ना, जितना जैसे कोई तेज खाता है कोई कम। और इसको फिर मैंने पूरा भून लिया। इसको क्या करूंगी मैं दोस्तों, इसको मैं अब एक गिलास, देखो ये एक छोटा गिलास है, ये एक गिलास पानी डालकर इसको बंद कर दूंगी मैं ना कुकर को पकने के लिए ना। बस एक गिलास डाला है क्योंकि इसका पानी, सब्जी का पानी भी निकलेगा, तो बस एक गिलास पानी डाला। अब इसको मैं कुकर बंद कर दूंगी। ये मैंने कुकर बंद करके रख दिया। अब मैं बाकी मसाले बनाकर रखूंगी। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। इसे तेल डाला मैंने, थोड़ा सा तेल डाल दिया एक चम्मच। अब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी फिर मैं अब प्याज, इसमें मैंने डाल दिया मक्खन, इसमें मिर्ची भी डाल दिया। अब इसको थोड़ा देर भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले अभी तो इसको थोड़ा भूनूंगी। अब इसमें मैंने डाला अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा भून लूंगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मक्खन की ना,
मेरी सब्जी भी तैयार हो गई। अभी अभी निकाला मैंने, ढक्कन खोला तो इसके इतना धुआं आ रहा है इसका। देखो ये एक एक पानी डाला था मैंने एक, और देखो कितना ज़्यादा पानी। तो अब क्या करना है मैंने, अब सिर्फ सब्जी सब्जी निकालनी है मैंने। इसमें डाला ओहो, इसका रस नहीं डालना, सिर्फ सब्जी सब्जी को मैंने इसमें निकालना है। जो बीट्स डाला था ना मैंने, उससे देखो फिर कितना रेड इसका कलर आ गया। सब्जी तो कुछ भी डाल सकते हैं आप ना, बस मैंने एक मटर नहीं डाल पाई क्योंकि मटर ही मैं लाना भूल गई कल ना, सब्जी लेने गई थी। क्योंकि मटर से ना क्या होता है, उसका स्वाद अलग होता है मटर, मटर तो ज़रूर डालना चाहिए। बाकी सब्जी कोई डालो ना आप लोग, मटर तो बहुत अच्छा लगता है। अभी पूरा मैं छान कर, ये पानी भी अभी यूज होगा इसमें, और ये पूरे इसको मैंने मैश करना है सब्जियों को ना, पूरा एकदम बारीक बनाना है। अभी हल्का सा थोड़ा ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी मसाला पाव भाजी का। और इसमें ये टमाटर मैंने जो कद्दूकस किया था, मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, कद्दूकस कर दिया था। मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया, ये बन गया। अब ये जो मिक्स करा हुआ जो मैंने सब्जी है ना, अब ये डालूंगी इसमें। टमाटर में भी तेल छोड़ दिया, अब मैं डालूंगी इसमें सब्जी। देखो दोस्तों मैंने ये डाल दिया पूरा सब्जी में जो मिक्स करा हुआ था ना, ये डाल दिया मसाले में। बर्तन छोटा हो गया, सब्जी ज्यादा हो गई, चलो कोई बात नहीं। अभी ये ना पक पक के थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें मुझे नींबू भी डालना है, पर नींबू अभी डालूंगी जब थोड़ा पक हो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा ये, तो डालूंगी। अब इसको पकने दूंगी अभी थोड़ी देर। और ये बचा था ना जो पानी, ये थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी क्योंकि सूख गया ना वो। ये मेरा भाजी तैयार हो गया। अब मैंने जो ये पाव ला रखी हूँ इसको करूँगी, इसको जब करूँगी जब खाने लगेंगे, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं है खाने के लिए। मैंने ये क्योंकि भाजी इसलिए बना ली, मैंने बोला फटाफट इसे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में और काम फटाफट करके जब ये लोग खाने के लिए आ जाएंगे तो उसके बाद में फिर तब ये भाजी को गर्म करूँगी। तो दोस्तों मेरी भाजी देखो बन गई एकदम, कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें मैंने गार्निश कर दूँगी ये हरे धनिया के साथ,
जैसे पहले भी डाला था मैंने हरा धनिया, और ये मेरी तैयार हुई। तो दोस्तों देखो मेरी पाव भाजी तैयार हो गई थी, तो मैंने फटाफट फिर पाव को भी गरम किया। गरम करने के बाद फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, फिर मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर हम तीनों ने पाव भाजी खाया, और इतना मज़ा आया ना। और उसके बाद में बैठ खाते खाते ना प्लानिंग बन गया हमारा, हम मूवी देखने जाने का ना। तो फिर आशीष ने बोला मम्मी चलो मूवी देखने चलते हैं, मैंने बोला चलो। फिर उसके बाद में हम लोग तीनों फटाफट पाव भाजी खाया हमने, और फिर खा खू के मैंने इधर उधर सब काम कंप्लीट कर लिए घर के, बर्तन बुर्तन धो धा के मैक्स को भी इधर खाना खिला दिया हल्का सा, और उसके बाद में फिर हम लोग तीनों मूवी देखने चले गए थे। और मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर ली कि उसी टाइम मेरी मौसी का भी कॉल आया था, तो मैं मौसी के साथ कॉल में थी तो मैं आपको इतना बता नहीं सकी, तो इसीलिए फिर मैंने ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद फिर हम तैयार होकर मूवी देखने के लिए हम लोग तीनों निकल गए। आदर्श में हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। देखो हम मूवी देखे, ओ हम लोग मूवी देखने आ रखे OMG 2। देखो मेरा आदर्श, वाह क्या स्मार्ट लग रहा है। हम तीनों मूवी देखने आ रखे, तो मूवी देखने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि मूवी हमें कैसी लगी। वॉशरूम जा रहा था अभी, उधर से आएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो और फिर अब हम मूवी देखने, अभी हमारा बस 5 मिनट है, खुल गया, अब जा रहे हम लोग और आपको दिखाएंगे कि थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगी टेलर में कि मूवी कैसा है, थोड़ा सा टेलर दिखाऊंगी मूवी का। और जब मूवी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको मूवी का रिव्यू दिखाऊंगी कि मूवी कैसी है। जिसमें देश करेगा वीर शहीदों नेशनल वॉर मेमोरियल पर होगा अमृत वाटिका का भव्य निर्माण। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्र प्रेम की अलग जगाते हुए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर जन जन को भी इस महाअभियान से जुड़े और पंच प्राण की शपथ लें। India's largest small finance bank, AU Small Finance Bank, presents high interest rate of up to 7% per annum on savings account with monthly interest payer. यार मूवी देख सकते हैं, मम्मी आइसक्रीम खा रही है। By people traveler. इसमें है टूटी फ्रूटी और वनीला मिक्स खा रही है मम्मी। देखो मेरी मम्मी को, हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पे रेस्ट कर रही है। अब मैंने मम्मी को ये प्राइस बताऊंगा कि 14,000 का है, तो मम्मी का तो 14,000 का है रिक्लाइनर। चलो उधर जाओ। और दोस्तों हम मॉल से आ गए थे, आकर मैंने ड्रेस इधर उधर चेंज की, उसके बाद में फिर आशीष पता नहीं क्या एक वो लेकर आए थे वॉच दीवार के लिए, जो मैं आपको दिखाती हूँ। वॉल वॉच लिया है आज अपने रूम के लिए, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये पीवीसी में मैच हो रहा है ना, इसी वजह से मैंने ये वाला लिया वॉच ना, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा ये, ठीक है, और इवन मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा है। तो आप भी प्लीज कमेंट करके बताना कि ये कैसा है ये वॉल वॉच ना, इसमें ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पीवीसी से मैच खा रहे कि नहीं खा रहे, ठीक है, पक्का बताना।
ठीक है, ठीक है सर। आशीष ने आज ये वाला वॉच खरीदा, तो आप लोग को कैसा लग रहा है तो बताना मुझे। और ये वाला निकाल दिया इसने ना, ये वाला, ये वाली घड़ी निकाल दी इसने। ये बोला मम्मी ये इधर रूम में इधर लगा लेना। बोला हाँ सिंपल बड़ा गया सर। आई जी मैक्स तो दोस्तों अब इसको मैं इधर लगाऊंगी, इधर इधर। तो इसको अभी मैंने इधर रखा है, सुबह करेंगे। अभी हम थक गए, अभी थोड़ा सा ना खाना ना उधर खा के तो आए थे हल्का फुल्का ना, तो इतना वो नहीं लगा। घर का खाना तो घर का ही होता है। तो फिर मैंने देखो ये दिन में भिंडी की सब्जी बनाई थी, ये भिंडी की सब्जी बनाई थी, और ये बैंगन का भरता है, और ये रोटी, और दिन में ये मैंने गोरखा चटनी बनाई थी, और ये रायता। तो आज तो यही ड्राइंग रूम में बैठकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो आशीष और मैं, आशीष आई जा, हम दोनों बैठ कर इधर ही खाएंगे। और देखो ना मेरे कपड़े सूख ही नहीं रहे। आज थोड़ा मौसम ठीक था, देखो ऐसे इधर रखा कि मैंने, क्योंकि यहाँ थोड़ा हवा आता है ना। अभी मैंने इसे सब इधर ही रख दिया। अभी जब सोने लगेंगे तो उसके बाद में फिर मैं सब कपड़े इधर यहाँ रख दूँगी, हवा में सूख जाएंगे। आज भी रखे थे मैंने, फिर मैं हम जब मूवी देखने गए तो मैंने बड़ा उठा कर चली जाती हूँ, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर थोड़े से जो सूख भी रखे हैं ना वो भी गिल्ले हो जाएंगे। तो फिर मैंने सबको उठाकर चली गई थी, इधर रखकर चली गई थी। तो फिर अभी मैं थोड़ी सी हवा में सुखा देती हूँ, कल अगर थोड़ा सा धूप निकला तो फिर मैं फटाफट इनको, वैसे सूख तो गए, ड्राई तो हो जाते मशीन में, फिर भी ना धूप तो चाहिए ना कपड़ों को, 10-15 मिनट के लिए भी थोड़ा सा धूप चाहिए। तो नहीं तो फिर स्मेल आता है ना बरसात के टाइम में कपड़ों में ना, अगर उसे धूप नहीं मिला तो। तो अब हम आशीष और मैं खा रहे हैं। आदर्श तो ऊपर चला गया, आदर्श ने बोला मम्मी मुझे तो थकान सी लग रही है, बोला तो वो ऊपर चला गया। दोस्तों तो अब हम फटाफट अपना खाना खाते हैं, उसके बाद में फिर मैं फटाफट काम करके फिर सोती हूँ। तो फिर मैं दोस्तों, और हाँ दोस्तों एक बात तो मैंने आपको बताना भूल गई कि मूवी बहुत अच्छी थी, क्या बोलते कि अच्छी लगी हमें मुझे मूवी ना। लेकिन बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मी मूवी इतना खास नहीं लगा बोल रहे थे, लेकिन मुझे अच्छी लगी। उसमें ना बच्चों के लिए बता रखा था कि भाई क्या होता है, वैसे वो आप लोग मूवी अगर देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो मुझे अच्छी लगी, बाद में थोड़ा कॉमेडी था तो अच्छा लगा। वैसे अक्षय कुमार की मूवी अच्छी होती है, लेकिन अक्षय कुमार को इतना ज़्यादा दिखाया नहीं, हल्का हल्का दिखाया है, पर अच्छी लगी मुझे तो मूवी ना। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक मूवी अच्छी लगी, तो फिर मैं अब दोस्तों इसी के साथ में फिर अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। तो आप अगले फिर ब्लॉग में आपसे भेंट होगी, तो इसी के साथ मैं फिर अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।